Let's start with question number 2, that is on page number 171. It says a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. So, हमारे पास एक mirror है, उसकी जो object है, वो कहाँ पे place है? It is placed at 10 cm. और object हमेशा left hand side पे होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारा नेगेटिव होता है. तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 cm. अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? हमारा मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v ओवर u. अब ना तो हमें हाइट पता है, ना हमें v पता है, ना हमें h नॉट पता है, तो तीन वैल्यूज तो अननोन है. सो ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो एक रिलेशन पता है, बट उसके बीच में उन्होंने बोला कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स इमेज फॉर्म्ड और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. So, आपको इससे समझ के आया h इज इक्वल टू 3h0. सो अब हम क्या करेंगे, 3h0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे h की जगह. सो दिस इज 3h0 ओवर h0 इक्वल्स -v ओवर u. u की वैल्यू कितनी है आपके पास? -10. माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, h0 से h0 कैंसिल कर दो. यहां पे आपका 10 है, तो 10 किधर चला जाएगा आपका? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट इज 3 × 10 इक्वल्स v. सो v कितना आ गया आपका? 30 cm. इमेज डिस्टेंस इज 30 cm. और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका ये जो साइड है, दिस साइड 3h0 वाली साइड और h0 वाली साइड, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आएगा. नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्म होएगी, ये जो आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसी फॉर्म होगी? रियल होगी, क्योंकि कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम? रियल इमेज का, मैग्निफाइड रियल इमेज. तो यहाँ पे हमारा माइनस आना चाहिए था. सो दिस इज -3h0. तो ये सारी क्या हो जाएंगे आपके? -30. सो जो लोकेशन है इमेज की, इट इज एट -30 cm. सो जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पोल, वो कितना होगा? -30 का. और कुछ वो कहाँ लाए करेगा? हेयर, समवेयर हेयर, 30 तक. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3.